हेलो गाइस, वेलकम टू स्पेशल एजुकेशन। दोस्तों, जैसा कि आप लोगों को पता है कि मैंने आपको इंपॉर्टेंट लेटर्स बताए थे, उसमें मैंने आपको एक लेटर बताया था, ये जो आपके सामने है। ये लेटर मैंने आपको बोला था कि उस वीडियो में काफ़ी इंपॉर्टेंट लेटर है, क्योंकि जैसे कि आप लोगों को पता है कि हरियाणा में इस टाइम इलेक्शन चल रहे हैं, तो इलेक्शन से रिलेटेड आपको पता है कि कोड ऑफ कंडक्ट लागू हुआ पड़ा है। कहने का मतलब कि आपकी आचार संहिता लगी हुई है, तो आचार संहिता से रिलेटेड ये लेटर है। तो चलिए पढ़ते हैं क्या लिखा हुआ है। यहाँ पर लिखा हुआ है, राइट ए लेटर टू द इलेक्शन कमीशन। इलेक्शन कमिश्नर को हमें लेटर लिखना है, लॉजिंग ए कंप्लेंट अगेंस्ट मिस्टर ए बी सी ऑफ एक्स वाई जेड पार्टी। मिस्टर ए बी सी के खिलाफ हमें कंप्लेंट दर्ज करवानी है, जो कि एक्स वाई जेड पार्टी से है। हु हैज़ फ्लोटेड नॉट ओनली द डायरेक्शन ऑफ द इलेक्शन कमीशन, जिसने ना कि सिर्फ इलेक्शन कमीशन की डायरेक्शन का उल्लंघन किया है, बट आल्सो सुप्रीम कोर्ट्स रूलिंग प्रोहिबिशन कैंडिडेट्स फ्रॉम सीकिंग वोट्स एंड ग्राउंड ऑफ द कास्ट एंड रिलीजन। बल्कि उन लोगों ने कास्ट रिलीजन पर वोट मांगने का भी काम कर रहे हैं, जो जिन्होंने सुप्रीम कोर्ट की डायरेक्शंस का उल्लंघन किया और इलेक्शन कमीशन की डायरेक्शन का उल्लंघन किया। तो इस पर हमें लेटर लिखना है। कहने का मतलब कि कोड ऑफ कंडक्ट का उन्होंने वॉयलेशन किया है, तो इससे रिलेटेड हमें लेटर लिखना है। तो काफ़ी इंपॉर्टेंट लेटर बनता है आपके एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से। तो चलिए आइए देखते हैं। सबसे पहले आपको पता है, मैंने बता रखा है कि जिन लोगों ने पहली वीडियोस देखी होगी उनको पता होगा, सबसे पहले आपको अपना एड्रेस लिखना होता है। सेंडर्स का एड्रेस का मतलब, सेंडर के एड्रेस का मतलब जो सेंड कर रहा है इंसान, मतलब आपको अपना एड्रेस लिखना है। अब कुछ लोगों की कमेंट आते हैं मेरे पास कि सर, हमें खुद का रियल एड्रेस लिखना है क्या? अगर दोस्तों आपके एग्ज़ाम में जो लेटर राइटिंग आया, उसमें उसमें लिखा हुआ है कि आई एम लाइक, आई एम राहुल, आई एम दिस, आई एम सुमन, कुछ भी नाम लिखा, तो आपको वोला नाम लिखना है, ठीक है। अगर लेटर में आपके क्वेश्चन में कुछ भी नहीं लिखा, तो आप अपने इमेजिनरी खुद का रियल नाम भी लिख सकते हो, इमेजिनरी नेम कोई भी लिख सकते हो, ठीक है। तो यहाँ पे सेंडर के एड्रेस में लिखते हैं मैंने योर नेम, अपना एड्रेस। एड्रेस आपको 3 लाइनों में लिखना है, ये टोटल आपका 3 लाइनों में आना चाहिए। उसके बाद आपकी डेट आती है, डेट का फॉरवर्ड भी मैंने आपको बता रखा है कि डेट 19 अक्टूबर 2019 लिखी हुई है मैंने। तो इसका मतलब आपको 19/10/2019 ऐसे नहीं लिखना, ठीक है। 19 अक्टूबर है तो यहाँ पे अक्टूबर ही आएगा, 10 नहीं आएगा। तो ये फॉर्मेट, इसी फॉर्मेट में आपको डेट लिखनी है। इसके बाद आपको लिखना होता है रिसीवर का एड्रेस। रिसीवर का एड्रेस यहाँ पर है, द चीफ इलेक्शन कमिश्नर, इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया, न्यू दिल्ली। तो ये हो गया हमारा रिसीवर्स एड्रेस। इसके बाद आता है आपका सब्जेक्ट। सब्जेक्ट में लिखा है मैंने वॉयलेशन ऑफ द मॉडल ऑफ कंडक्ट, छोटा सा सब्जेक्ट लिखना होता है, वॉयलेशन ऑफ मॉडल कोड ऑफ कंडक्ट, ठीक है, आचार संहिता का उल्लंघन करने के विषय में। इसके बाद यहाँ पे आता है डियर सर और मैम, वो मैं लिखना भूल गया। इसके बाद आपको लिखना होता है सब्जेक्ट के बाद डियर सर, ये आप सब्जेक्ट के पहले भी लिख सकते हो, कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा, ठीक है। डियर सर के बाद आपको लिखना है, इट पेन्स मी ग्रेटली वाइल ड्रॉइंग योर अटेंशन टुवार्ड्स द वॉयलेशन ऑफ द मॉडल ऑफ कंडक्ट डन बाय द मिस्टर ए बी सी ऑफ एक्स वाई जेड पार्टी। इसमें बता रहा है कि मिस्टर ए बी सी जो है एक्स वाई जेड पार्टी के, उन्होंने मॉडल कोड ऑफ कंडक्ट का जो उल्लंघन किया है, इसकी तरफ मैं आपका ध्यान अटेंशन टुवार्ड्स कर रहा हूँ इसकी तरफ, और ये बताते हुए मुझे काफ़ी दुख हो रहा है। पेन का वर्ड यहाँ पर लिखा हुआ है। अगला लिखा हुआ है हमारे पास, मिस्टर ए बी सीज हेट स्पीच अगेंस्ट वन पर्टिकुलर रिलीजन इज़ क्रिएटिंग डिसहारमोनी। जो मिस्टर ए बी सी की हेट स्पीच है, मतलब नफरत भरी जो स्पीच है, जो स्पीच दे रहे हैं वो अगेंस्ट वन पर्टिकुलर रिलीजन, किसी एक पर्टिकुलर धर्म के अगेंस्ट, इज क्रिएटिंग डिसहारमोनी, ये डिसहारमोनी क्रिएट कर रहा है, एंड लॉस ऑफ ट्रस्ट, और लॉस ऑफ ट्रस्ट हो रहा है। आगे देखो, द हरेंग ऑफ मिस्टर ए बी सी, हरेंग का मतलब होता है भाषण, मिस्टर ए बी सी का जो भाषण है, आर स्प्रेडिंग हेट्रेड, वो हेट्रेड फैला रहा है, हेट्रेड का मतलब वो नफरत फैला रहा है, एंड कॉन्फ्लिक्ट इन अवर टाउन, और जिससे कि हमारे टाउन में काफ़ी कॉन्फ्लिक्ट हो रहा है। आगे दिया हुआ, द सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया हैज़ स्ट्रिक्टली रूल डैट, सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया ने बहुत स्ट्रिक्टली ये बताया है कि डैट नो कैंडिडेट मस्ट सीक वोट्स इन द नेम ऑफ रिलीजन, और ये बताया कि रिलीजन के नाम पर कोई भी कैंडिडेट है वो वोट नहीं मांगेगा, कास्ट और कम्युनिटी, रिलीजन कास्ट और कम्युनिटी के नाम पर। आगे लिखा हुआ, डिसओबिंग द सुप्रीम कोर्ट्स रूलिंग, सुप्रीम कोर्ट के रूलिंग को डिसओबे करना इज सिंक्रोनियस टू चैलेंजिंग द अपेक्स कोड ऑफ इंडिया, मतलब सुप्रीम कोर्ट के ने जो डायरेक्शन दिया है उसको डिसओबे करना, उसको ना मानना, इसका मतलब है कि अपेक्स कोर्ट को चैलेंज करना, इंडिया का जो अपेक्स कोर्ट है उसको चैलेंज करना, उसका मतलब यही हुआ, ठीक है। सुप्रीम कोर्ट के अगर आप डायरेक्शन को नहीं मान रहे, तो मतलब आप अपेक्स कोर्ट को या सुप्रीम कोर्ट को चैलेंज कर रहे हो, यहाँ पे अपेक्स कोर्ट का मतलब वही है। आगे दिया हुआ, आई शैल बी ग्रेटफुल टू यू इफ़ यू अर्जेंटली लुक इन टू दिस वेलेंट एंड विलफुल वॉयलेशन ऑफ लॉ एंड टेक स्टर्न एक्शंस अगेंस्ट हिज एरिंग कैंडिडेट। मैं काफ़ी ग्रेटफुल होऊंगा अगर आप अर्जेंटली इस मैटर में देखोगे, एंड विलफुल वॉयलेशन ऑफ लॉ एंड टेक स्टर्न एक्शन, और कुछ स्टर्न और कठोर एक्शन लोगे अगेंस्ट दिस एरिंग कैंडिडेट, इस कैंडिडेट के अगेंस्ट में। तो ये था हमारा लास्ट लाइन लिख दी। इसके बाद आपको पता, थैंकिंग यू आता है, यूर सिंसियरली, और यहाँ पे आपका
नाम आ जाएगा, ठीक है। योर सिंसियरली लिखना है यहाँ पे, ओबीडियंटली कभी नहीं आएगा, ये मैं काफ़ी बार बता चुका हूँ वीडियोस में, ठीक है। ओबीडियंटली कभी नहीं आना, फेथफुली लिख सकते हो, सिंसियरली लिख सकते हो, लेकिन यहाँ पे सिंसियरली ज़्यादा सही लगेगा। तो ये था आपका ये लेटर राइटिंग पर वीडियो। अच्छा लगे तो दोस्तों वीडियो को लाइक कर देना, और जो लोग पहली बार चैनल पर विजिट कर रहे हैं चैनल को सब्सक्राइब कर लो। इसकी पीडीएफ चाहिए तो नीचे व्हाट्सएप ग्रुप और टेलीग्राम ग्रुप का लिंक दे दूंगा, वहाँ पे जाके आप इसकी पीडीएफ ले सकते हो, ठीक है। धन्यवाद दोस्तों, आज के लिए बस इतना ही।